हाँ जी, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आप सभी का नमस्ते स्वीकार कर लिया जाता है। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट लाइव उपस्थित हो जाएं। और आज आपकी बहुत ही विशेष कक्षा, जिसके आप बहुत ज्यादा डिमांड भी कर रहे थे कि हमें विस्तार के साथ व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाई जाए, जो एक संस्कृत का अपने आप में आधार होता है, संस्कृत का बेस होता है, जिसके आधार पर हम कई सी इकाइयां सीखते हैं। सारे टॉपिक्स में जब हम संधि पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, शब्द रूप पढ़ते हैं, जो भी हम इकाइयां पढ़ते हैं, किसी न किसी रूप में, कारक में, सब जगह हमें संज्ञाओं के बारे में परिचय मिलता है। और उसी संज्ञाओं के आधार पर आज की क्लास में हम लोग संज्ञा प्रकरण को विस्तार के साथ पढ़ेंगे, डिटेल से समझकर पढ़ेंगे, बहुत ही सरलतम रूप में। बहुत से विद्यार्थियों के इस संज्ञा प्रकरण का बहुत बड़ा एक फोबिया बना हुआ है कि हमें संज्ञा प्रकरण नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है, पता नहीं ये क्या टॉपिक होता है। वैसे देखा जाए तो मैं इसको कोई स्वतंत्र टॉपिक नहीं बोलती हूँ, और यदि आपको बताऊं तो जो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक्स, उन्हीं में से ये निकल कर आता है। समग्रता के रूप में देखें तो संज्ञा प्रकरण एक स्वतंत्र इकाई न होकर प्रयोगात्मक इकाई होती है, यानी ये कोई स्वतंत्र टॉपिक न होकर एक प्रयोग में लिए जाता है। देखा जाए तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में संज्ञा प्रकरण की अलग से इकाई दी गई है, जबकि रीड टेक्स्ट में नहीं दी गई। फिर भी जब संधि पढ़ते हैं, सब जगह कहीं ना कहीं संज्ञा प्रकरण का उल्लेख जरूर आता है, और जहां जहां जरूरत होती है हम उनको उनके अनुसार पढ़ाते हैं। ग्रेड वालों को पर्टिकुलर स्वतंत्र इकाई के रूप में पढ़ाते हैं, तो रीड वालों को सबके साथ में किस आधार पर अपन देखते हैं। सबसे पहले एक बार फटाफट आप सभी अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। यदि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करें, क्योंकि आगामी सभी कक्षाएं आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। तो याद है आज का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? संज्ञा प्रकरण। सभी उपस्थित हो जाएं, शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जीरो लेवल से। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी हमें जाननी है। देखो, संज्ञा सब जानते हो, नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर व्याकरणिक भाषा में हम अलग अलग संज्ञाएं पढ़ेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं तो देखिए यहां पर, जैसे इत संज्ञा, कौन सी संज्ञा, इत संज्ञा, या फिर लोप संज्ञा, या फिर संहिता संज्ञा, सहेता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, है ना, सवर्ण संज्ञा, या फिर गुण संज्ञा, या वृद्धि संज्ञा, या फिर आप देखोगे कि प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, या आप देखोगे निष्ठा संज्ञा, सत संज्ञा, या नदी संज्ञा, घी संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, टी संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, टी संज्ञा, या फिर मैं कहूं तो विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा, या गति संज्ञा। आप देखोगे न जाने कितने नाम आपको मिल रहे हैं, सवर्ण संज्ञा, तो फिर पद संज्ञा, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा। आप देखिए, ये सभी संज्ञाएं हम विस्तार के साथ एक एक करके पढ़ेंगे। कोमल यादव कह रही है, मम रीड में ये टॉपिक है क्या? मैं आपको बताऊं, एम्पीटेट के लिए है क्या? कोई कह रहा है सेकंड ग्रेड के लिए है क्या? देखो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें तो क्या किया, अलग यूनिट बना दी, अलग यूनिट बना दी,
और क्या नाम बना दिया, संज्ञा प्रकरण। पर देखो रीट वाले भी इनके अलग से नाम नहीं बनाया, पर इनको ही हम ये संज्ञा पढ़ाते हैं। देखो कहाँ पढ़ाते हैं, जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगी तो आपको ये संज्ञा पढ़ाई जाएगी। क्या प्रत्यय के आगे पीछे जो भी वर्ण होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं उन वर्णों का लोप कर दिया जाता है। लोप करने के लिए कौन से संज्ञा होगी, किस तरीके से होगी, सारी बातें अपन देखेंगे। संहिता संज्ञा संधि में होती है, आप देखते हो संहिता संज्ञा प्रत्याहार में होती है। देखते जाओ, मैं बता रही हूँ कि जो रीट के लिए भी पूछ रहे हैं, आप देखो आपको सारी बातें पढ़ा दी जाएगी। सुशीला चौधरी, मैम इतनी सारी संज्ञा, सुशीला सब पढ़ते हो आप इनको, बस अलग से कोई इनका बारे में गौर नहीं करता। बात वही है, देखिए रीट वाले ये दिमाग से निकाल देना कि हमारे ये सिलेबस नहीं है या हमारे ये टॉपिक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके ये टॉपिक किस रूप में है, ये मैंने बताया प्रत्यय में, माहेश्वर सूत्रों में आपको बताया ही था। ये संहिता संधि में पढ़ेंगे और यहाँ पर संहिता संहिता प्रत्याहार में याद करो, याद करो आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। इसी प्रकार गुण संज्ञा और वृद्धि संज्ञा ये संधि में पढ़ाती हूँ मैं आपको, याद करो वृद्धि राधेच वृद्धि संज्ञा, अदे गुणे गुण संज्ञा। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते रीट वालों, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, सभी को चाहे सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि सामान्य तौर पर हाँ संज्ञा के नाम है। प्रातिपदिक याद करो, प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, तो अर्थ व धातु प्रातिपदिक। इसके बाद निष्ठा संज्ञा और सत संज्ञा, कतय कत्वतु प्रत्यय, कतय कत्वतु की निष्ठा संज्ञा और आप देखते हो क्षत्रिय सानच की सत्संज्ञा, दोनों आपकी आएंगी। आप देखिए नदी और घी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में बंटवारा करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो, आप देखो प्रगृह संज्ञा ये कहाँ पढ़ाते हैं आपको, याद करो प्रकृति भाव संधि में पढ़ाते हैं। ईदूदे द्विवचनम प्रगृहम, ईदूदे द्विवचनम प्रगृहम, तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो। हाँ जी, इसके बाद बिल्कुल खेमराज सैनी मैन जो रीट में टॉपिक है उनको पढ़ाओ, बिल्कुल खेमराज में उसी की बात कर रही हूँ। इसके बाद देखो टी संज्ञा जब दीर्घ संधि पढ़ाते हैं तो अचो अंत्यादि टी पतत प्लस अंजलि में आपकी टी संज्ञा होती है। विभाषा संज्ञा विकल्प से या निषेध क्रिया में, गति संज्ञा उपसर्ग की होती है। सवर्ण संज्ञा याद करो तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, वर्ण विचार में आपको बताया था। पद संज्ञा सुप्तिंगंतम पदम, शब्द से पद बनते हैं। इसके बाद संयोग संज्ञा, देखो हलो अनंतरा संयोग है, दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर नहीं हो तो बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो एम्पीटेट हो, चाहे वो कोई और टेट हो। दूसरी बात, जैसा इससे पहले वाली इकाई मैंने आपको पूरी की पूरी आपको पढ़ाकर उसका टॉपिक टेस्ट लिया था, उसका टॉपिक टेस्ट लिया था, उसी तर्ज पर संज्ञा प्रकरण को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद टॉपिक टेस्ट लेंगे। क्लियर सबके? अब देखिए आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ कि 23 फरवरी को याद रख लेना, 23 फरवरी को संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ रखा गया है। चाहे आप रीट का लो, चाहे सेकंड ग्रेड लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड लो, चाहे जीके लो, पूरा रीट लो, चाहे कोई सा भी कोर्स लो, हर कोर्स पर सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक संपूर्ण कोर्स पर संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पर
50% का ऑफ रखा गया है। ये बात सभी को माइंड रखनी है और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करना है इसे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने स्टेटस में लगाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, साथियों को बताइए कि संस्कृत समृद्धि का कोर्स यदि लेना चाहते हो तो इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको सबसे पहले नंबर पर पढ़ाने वाली हूँ इत संज्ञा। देखिए बहुत ही सरल रूप में हम इत संज्ञा पढ़ेंगे। कौन सी संज्ञा पढ़ा रही हूँ? इत संज्ञा। क्या होती है इत संज्ञा? देखते जाना। इत संज्ञा किसी का किसी भी वर्ण से, देखो किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए, लोप करने के लिए उस वर्ण की के लिए उसे वर्ण की उस वर्ण की इत संज्ञा होती है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न इत संज्ञा क्यों होती है? अरे इत संज्ञा क्यों होती है बताइए, इत संज्ञा क्यों होती है? तो मैं आपको बिल्कुल कुमार जितेंद्र मैम पीडीएफ डाल दिया करो टॉपिक के, जितेंद्र सारी पीडीएफ डली हुई है, जिस विसर्ग संधि की बात कर रहे हो उसमें कारण क्या है वो आपको बता दिया गया, तो आज शाम को उसकी पीडीएफ डल जाएगी, निश्चिंत रहो। आप एक बार ही देख लिया मैंने आपका कमेंट, लास्ट एक क्लास की नहीं है, वो डल जाएगी। किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा, याद कर लेना। इत संज्ञा क्यों की जाती है? इत संज्ञा क्यों की जाती है? इत संज्ञा क्यों की जाती है? तो देख सकते हो आप लोग, क्यों की जाती है? वर्ण का लोप करने के लिए, वर्ण का लोप करने के लिए। फिर देखिए इत संज्ञा विधायक, इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या, इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या, इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या 6 होती है। इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या 6 होती है। इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी होती है बोलो? 6। कितनी होती है? 6। फिर देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होती है। देखिए नंबर एक हलंत्यम, पहला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। दूसरा सूत्र बोलो कौन सा है? चुटू। दूसरा सूत्र कौन सा है? चुटू। तीसरा सूत्र बोलो कौन सा है? लशकुए तद्दिते, लशकुए तद्दिते। तीसरा सूत्र कौन सा है? लशकुए तद्दिते। चौथा सूत्र देखो, चौथा सूत्र कौन सा है? शे प्रत्यशे, शे प्रत्यशे। पांचवा सूत्र देख लो, आदिरी टूडवे, आदिरी टूडवे, आदिरी टूडवे। और छठा सूत्र देखो, छठा सूत्र देखिए क्या होगा? उपदेशे अज अनुनासिक इते, उपदेशे अज अनुनासिक इते, उपदेशे अज अनुनासिक इते। इनको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, तरीके से समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर कितने सूत्रों की संख्या है? 6।
कितने सूत्रों की संख्या है? 6। तो याद कीजिए कि किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए, किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए कौन सी संज्ञा होगी? इत संज्ञा। कौन सी होगी? इत संज्ञा। और इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या 6 होती है। इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या 6 होती है। हाँ बिल्कुल दिनेश, गुजर जब लगेगी तो नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहो, बार बार मत लिखो। आगे की जो भी कक्षा की जिसकी भी बात करो, जिस भी सब्जेक्ट की लगेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रखो, जो भी क्लासे होती है आप सबके क्वेश्चन आपके पास नोटिफिकेशन आता है। और 7 बजे बिना कोई देर किए हुए बिना निश्चिंत रूप से उपस्थित हो जाया करो, क्योंकि रोज 7 बजे शाम को इस यूट्यूब चैनल पर संस्कृत की ये जो आप देख रहे हो ये लाइव क्लास चलती है। और अब ये क्लास संज्ञा प्रकरण की शुरू हो गई, तो पूरा संज्ञा प्रकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे, और फिर उसके बाद ये टॉपिक होने के बाद इसका टेस्ट लेंगे। तो आप लोगों को बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा। हाँ जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हलंत्यम सूत्र। कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। अब देखो संस्कृत की बात करूं तो जब ग्रेड वालों को तो हमने पढ़ा ही दिया है, ऐप में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा भी रहे हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उनकी लाइव क्लास चलती है एप्लीकेशन में। और 1 मार्च से साहित्य से नया बैच शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक। तो यदि कोई विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है संस्कृत से, तो बिल्कुल 23 तारीख वाले ऑफर में कोर्स खरीद लेना 50% के ऑफ के साथ। और आपको नए बैच में 1 मार्च से जो साहित्य से शुरू होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। चाहे विद्यार्थी कभी भी जुड़े, हर विद्यार्थी को पूरा कोर्स लाइव कराया जाएगा। और कोशिश यही है कि मार्च में सभी विद्यार्थियों को संस्कृत की क्लास क्लासरूम से सीधी लाइव दी जाएगी। चाहे उनके पास कोई सा भी कोर्स हो, तो बिना कोई समय गवाए जो भी कोर्स लेने का इच्छुक है 23 फरवरी को 50% ऑफर ले सकते हो। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर हलंत्यम सूत्र। तो हलंत्यम देखिए, मैं ये बताऊं तो सरल भाषा में मैं लिखूं, कि जैसे संस्कृत में हम लिखते हैं उपदेशे अंत्यम हलिच्छात्। अब आपको उपदेशे अंत्यम हलिच्छात् ये सभी विद्यार्थियों को नहीं आता है, ये सभी विद्यार्थियों को नहीं आता। रामेत गुजर ल वर्ण से द्वादश भेदा अकस्मात प्रेम बता दो, डाउट है। रामेत पूरा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे, कल या परसों तक इसी टॉपिक पर पहुंचते ही पूरे ए के 18 होते हैं, ल्री के 12 होते हैं, ई के 18 होते हैं, सारे बता दूंगी मैं, निश्चिंत रहो आप लोग। हाँ जी देखिए, उपदेश में आए हुए अंतिम, उपदेश में आए हुए अंतिम हलंत युक्त वर्ण की, अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है उपदेश में आए हुए अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा होती है। ये उपदेश क्या होता है? देखो आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम उपदेशम। तो उपदेश को क्या कहते हैं? आद्योच्चारण। आप ध्यान रखिएगा, उपदेश, उपदेश का मतलब आद्योच्चारणम, आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। आदि उच्चारण मतलब है व्याकरण सम्मित बात, यानी आपको मैं बता देती हूँ, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि तीनों के द्वारा रचित रचना ही, या तीनों का कथन ही, या तदुक्ति में कही हुई बात ही
क्या कहलाता है? आद्योचारणम। तो उपदेश में आए हुए अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा करता है। तो हलंत्यम सूत्र किसकी इत संज्ञा करता है? यदि कोई वर्ण अंतिम है और उसके हलंत लगा हुआ है, अगर उसके अंतिम में हलंत लगा हुआ है तो हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है। यानी कैसे लेकर है तक यदि कोई व्यंजन हो और वो अंत में हो, यदि उसका लोप करना हो तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे उदाहरण से देखो, जैसे ए ई ऊ ने, या आप देखो मैंने प्रत्यय लिख दिया ल्यापे, या मैंने प्रत्यय लिख दिया ल्यूटे। समझ रहे हो? यदि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई प्रत्यय लिख दिया अणवोले, या मैंने लिख दिया त्रिचे, कोई भी माहेश्वर सूत्र का हो या किसी प्रत्यय का हो, किसी भी सूत्र में हो, कहीं पर भी हो, यदि यदि अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा करनी हो, हमें अंतिम हलंत युक्त वर्ण का लोप करना हो, तो देखिए हम लोग किस से इत संज्ञा करेंगे? हलंत्यम से। क्लियर है क्या सबके? क्लियर है क्या सबके? हलंत्यम सूत्र क्या काम करता है? अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा, अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा। हाँ जी, इसके बाद देखिए दूसरा सूत्र क्या है? चुटु सूत्र। चुटु सूत्र का क्या काम है? चुटु का प्रयोग क्या होता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में और कहीं नहीं प्रत्यय के, और कहीं नहीं प्रत्यय के, यानी प्रत्यय के प्रारंभ में छे वर्ग या ते वर्ग का कोई वर्ण हो, छे वर्ग छे छे जे जे ये ते ठे टे ठे ने, यदि इनमें से कोई सा वर्ण हो, यदि इसमें कोई सा वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा चुटु सूत्र से होती है, उसकी इत संज्ञा चुटु सूत्र से होती है। देखिए जैसे अपन को प्रत्यय पढ़ना है, अब नूल प्रत्यय पढ़ना है, कौन सा प्रत्यय पढ़ना है? नूल प्रत्यय पढ़ना है। अब नूल प्रत्यय में, या आप देखिए ण्यत प्रत्यय पढ़ना है, यहां पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमें, अगर हमें तय और लय की इत संज्ञा करनी है, यदि इनका लोप करना है तो हलंत्यम से होगी, तो हलंत्यम से होगी। और अगर हमें ण्य और ण्य की इत संज्ञा करनी है तो देख लो ण्य किस में है? टय वर्ग में। यानी इन दस वर्णों में से कोई सा भी वर्ण अगर प्रत्यय का पहला वर्ण हो, अगर प्रत्यय का पहला वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी? चुटु से। इसकी उसकी इत संज्ञा किससे होगी? चुटु से। रेशमा, मैम आपकी बुक पर संज्ञा डबल कैसे नहीं है? रेशमा क्या बात कर रही हो? मैंने जैसा शुरुआत में बोला सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो क्या यूनिट रह गई, तो शुरुआत में यूनिट मिल जाती है, अब ग्रेड में यूनिट है ही नहीं, तो जहां जहां जिसका टॉपिक है वहां वहां वो संज्ञा मिलेंगी। जैसे ये संज्ञा आपको प्रत्ययों में मिलेगी, जैसा कि आप लोगों को वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, टी संज्ञा, ये संधि में मिलेंगी। तो बिल्कुल है, कैसे नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? नहीं है, पूरा सिलेबस हमारे द्वारा ही बनाया गया है, तो क्यों नहीं होगी? बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, प्रत्यय के प्रारंभ में इन दस वर्णों में से कोई सा वर्ण हो, अगर उनका कोई लोप करना हो तो उसकी संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? चुटु से। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो अगर मान लिया घय प्रत्यय है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो घय प्रत्यय है,
घय प्रत्यय है और घय प्रत्यय के अगर इस य की संज्ञा करनी है, किसकी संज्ञा, य की संज्ञा करनी हो तो चुटू काम में नहीं आएगा। याद करो, चुटू काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो अंतिम हलंत युक्त वर्ण है, ये तो अंतिम हलंत युक्त वर्ण है। याद रख लो, ये अंतिम हलंत युक्त वर्ण है, इसकी चुटू से नहीं होगी। चुटू से इत संज्ञा तो प्रारंभ में यदि चवर्ण तैवर का वर्ण हो तो। इसके बाद आप देख सकते हो लशक व तद्दीते, कौन सा है लशक व तद्दीते? अब लशक व तद्दीते समझो, बहुत सरल है ये सूत्र, समझने के बाद एक साथ वापस देखो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर, अब देखो ले शे कु, ले शे कु, ले शे कु, तो देख सकते हो कु का मतलब क्या हो गया, के वर्गे। कु का मतलब क्या हो गया, के वर्गे। तो उदाहरण ही दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कु का मतलब क्या हो गया, के वर्गे। के वर्ग में वर्ण कौन से आते हैं, देखो के खे गे घे गे। और यदि अतद्दिते लैशे कु अतद्दिते, यदि अतद्दित प्रत्यय में हो, वही प्रत्यय परंतु अतद्दित होना चाहिए, कृदंत नहीं होना चाहिए। यदि अतद्दित प्रत्यय में ले शे के वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी संज्ञा लशक व तद्दिते सूत्र से हुई है। देखो उदाहरण देखो, जैसे ल्यप प्रत्यय, ल्युटे प्रत्यय, शत्री प्रत्यय, शानच प्रत्यय, घय प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कतय प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, कतिन हो चाहे क्याप हो, अब आप देख सकते हो यदि इनका लोप करना हो, यदि इनका लोप करना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ले की संज्ञा किससे होगी। तद्दित का मतलब क्या है, देखो प्रत्यय है, वो प्रत्यय में एक नाम सुना होगा कृदंत और एक नाम होता है तद्दित। तभी तो मैं कहती हूँ कि रीट वालों को ये हम प्रत्यय पढ़ाते हैं तब पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने अपने लेवल का होता है। सेकंड ग्रेड वालों की ये समस्या नहीं आती है कि ये क्या होता है, पर बिल्कुल अपना अपना स्तर होता है। इसीलिए रीट वालों को शुरुआत में ये न लेकर हम जब प्रत्यय पढ़ाते हैं तो एक संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। कैसे, भाई तद्दित और कृदंत, कृदंत प्रत्यय जो धातु के लगते हैं, क्रिया के लगेंगे वो तो होंगे तद्दित, वो कृदंत, और जो शब्दों के लगेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो शब्दों के लगते हैं वो होते हैं क्या, तद्दित प्रत्यय। वो कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्दित प्रत्यय। तो तद्दित प्रत्यय के यदि यहाँ पर बिल्कुल मैं कहूँ, चाहे रीट वाले भी प्रत्यय सबके हैं, अब यहाँ पर आप अपने सरल भाषा में समझो, देखो हाँ मैं ये कहूँ ल्यप प्रत्यय, बिल्कुल आप ऐसे नहीं है कि हमें नहीं आता, मैं बताऊ नहीं आएगा तो हम सीखेंगे, सबको ही थोड़ी आता है, किसी ने तो पहली बार सीखा होगा, क्यों डर रहे हो। अभी अगर पहले से ही आता तो फिर अब अपन नए से क्या सीखेंगे, बिल्कुल हम सिखा देंगे आपको। देखो हाँ जी, ये ल्यप प्रत्यय, अब इस ल्यप प्रत्यय में हम क्या कहते हैं कि यह शेष रहता है, क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। तो बच्चा बोलेगा कि मैडम ये ले और पे कहाँ गए, ये ले और पे कहाँ गए, ये ले और पे कहाँ गए, तो हम कहते हैं लोप हो गया। ले और पे का क्या हो गया, लोप हो गया। कि ऐसे ही कैसे लोप हो गया, तो हम उसको बताएंगे कि छह सूत्र होते हैं इत संज्ञा करने वाले, और उनमें एक सूत्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रत्यय यहाँ पर किस तरीके से, देखें
कि अगर लय का लोप कर रहा है या पय का लोप करना है तो कौन से सूत्र से इत संज्ञा होगी। तो हम कहेंगे पय का लोप करेंगे तो हलंत्यम से, और लय का लोप करेंगे तो किससे होगी, लशक व तद्दिते से, लशक व तद्दिते से, लशक व तद्दिते से। हाँ जी बिल्कुल, केवल प्रत्यय की होगी और किसी की नहीं होगी, वो भी कौन से प्रत्यय में, कृदंत प्रत्यय में। अब आप देख लो ये लय की, ये शय की, शय है ना, घय कै, तो कहता है कि कुल मिलाकर प्रत्यय के प्रारंभ में एक दो और पांच सात। सीधी भाषा में ये समझो कि प्रत्यय के प्रारंभ में सात में से कोई सा वर्ण है, और यदि उनका लोप करना है तो लशक व तद्दिते सूत्र से होगा, लशक व तद्दिते सूत्र से होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, फिर देखिए अगर मैंने लिखा शानच प्रत्यय पढ़ना है जी, कौन सा प्रत्यय पढ़ना है, शानच। अब मैं आपको बोला कह भाई क्या है, आशेष आनशेष रहता है, वीर भोग्या वसुंधरा। मैम आपका कोर्स बहुत महंगा, प्लीज थोड़ा डिस्काउंट दे। वीर देखिए 23 तारीख को 50% का डिस्काउंट आ रहा है, मैंने बता दिया आप शायद लेट हो गए। 23 तारीख को 50%, ये देखो 23 फरवरी को सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक 50% की छूट आ रही है, तो निश्चिंत रहो आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आन शेष रहता है, आन शेष रहता है। अब आन में देखो शे आ, शे में मात्रा किसकी है, आ की, ने और चे। अब आप बोलेंगे मैडम शे और चे कहाँ गया, से और चे कहाँ गया, हम कह देंगे लोप हो गया। हम क्या कह देंगे, लोप हो गया। शेष क्या बच गया, आन बच गया, शेष क्या बचा, आन बचा। तो इस बात पर आन जो शेष रहता है तो शय देखो किसके कर देंगे, लशक व तद्दिते से, लशक व तद्दिते से। तो कहने का मतलब ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में तो सीधा प्रश्न आता है कि लय और शय या शानच प्रत्यय में शय की संज्ञा किससे हुई है, घ से किससे हुई है, तो आपका एक ही उत्तर आना चाहिए, कौन सा, लशक व तद्दिते। समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला देखें, जैसे फिर मैं एक बार 6-7 के साथ लिख दूंगी। मैंने लिखा श प्रत्यय, श प्रत्यय, अगर अगर यहां पर देखें चुटू में प्रत्यय की संज्ञा की, चुटू से चैवर टैवर की होती है और किसी की नहीं। यहां पर आप देखो श प्रत्यय, प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य श हो, प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य श हो, और यदि उनका लोप करना हो तो किससे होगी, किससे होगी, देखिए शय प्रत्यय से। जैसे शे, अब आप देखो शे प्रत्यय, शे का शेष क्या बचेगा, य, क्या होगा, य। अब हम कहेंगे ये शय कहा गया, तो शय प्रत्यय से, और ये कहा गया तो हम कह देंगे हलंत्यम से, किससे हुई, हलंत्यम से, बच गया क्या, यह। तो आप देख सकते हो शय प्रत्यय से शय की और हलंत्यम से यह की। इसके बाद आप देखोगे आदि री टूट गए, आदि आदि री टूट वे, जब कभी हमारे सामने धातु होती है, जब कभी हमारे सामने धातु होती है तो आप देख सकते हो कि ये टू और डू वर्ण का लोप हो। कभी आपने सुना होगा कि डूक्रे धातु होती है, कौन सी धातु होती है, डूक्रे, कौन सी धातु होती है, डूक्रे। तो हम कहते हैं क्री शेष रहता है, बोले भाई डू कहाँ गया, कह डू की आदि रही टू डू से संज्ञा हो गई, ये कहाँ गया, हलंत्यम से हो गई, शेष क्या बच गया, क्री।
और यदि हाँ हलंत्यम सभी में होता है, बिल्कुल सुदेश कुमारी, हलंत्यम सभी में होता है। अगर मैं ये लिखूं कि उपदेशे अस अनुनासिक इत, क्या लिखा मैंने, उपदेशे अस अनुनासिक इत, उपदेश में आए हुए अनुनासिक अच की, अनुनासिक अच की यानी जो स्वर होता है, जो स्वर होता है, जो अनुनासिक स्वर होता है, उसकी संज्ञा करनी हो, उसकी संज्ञा करनी हो तो उपदेशे अच अनुनासिक इत से होगी, उपदेशे अच अनुनासिक इत से होगी। और इन सब की जो छह सूत्रों से इत संज्ञा हुई है, उन सब का, इन सब का तस्ये लोपे, तस्ये यानी उसका जिसकी इत संज्ञा होती है, उन सब का लोप हो जाता है, उन सब का लोप हो जाता है यानी हटा दिया जाता है। ऐसे संस्कृत में नियम नहीं है कि मर्जी आए उसको हटा दिया और मर्जी आए जोड़ दिया, इत संज्ञा करनी पड़ती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो वर्ण काम में नहीं आते हैं, जिन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, उन वर्णों की इत संज्ञा करके उनका लोप कर दिया जाता है, तस्ये लोप है। ये लोप क्या होता है, ये लोप क्या होता है, तो देखे एदर्शनम लोपे, एदर्शनम लोपे, एदर्शनम लोपे, एदर्शन, एदर्शन, तो बिल्कुल आप देख सकते हो जो दिखाई न देता है उसको लोप कहते हैं। ये तो हो गई लोप संज्ञा, लोप दिखाई न देना, लोप संज्ञा सूत्र है दर्शनम लोप है, और लोप क्रिया सूत्र तस्ये लोप है। तो कुल मिलाकर अब आप समझो एक साथ में कि हमने छह सूत्र देखे। सबसे पहले हलंत्यम कौन सा था, हलंत्यम, दूसरे नंबर पे कौन सा था, चुटू, तीसरे नंबर पे मैंने बताया आपको लशकवा तद्दीते, लशकवा तद्दीते, देखो एक साथ बताऊंगी पूरा आपके क्लियर हो जाएगा। चौथे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया शय प्रत्यय, और पांचवें नंबर पे मैंने बताया आदिर ही टूडवे, और छठे नंबर पे होता है उपदेशे अस अनुनासिक इत, उपदेशे अस अनुनासिक इत। तो देखिए यहाँ पर ये छह संज्ञा सूत्र होते हैं, ये छह संज्ञा सूत्र होते हैं, और इन छह संज्ञा सूत्रों में आपने ये संज्ञा, कौन सी संज्ञा है ये, इत संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, इत संज्ञा। इत का मतलब क्या होता है, इत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिस वर्ण का लोप करना हो, जिस वर्ण का लोप करना हो, उस वर्ण की, उस वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिस वर्ण का लोप करना हो उस वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिस वर्ण का लोप करना है उसकी इत संज्ञा होती है। देखो हलंत्यम ये क्या करेगा, अंतिम हलंत युक्त वर्ण, अंतिम हलंत युक्त वर्ण, यानी आप तो यूं फीड कर लो कि यदि कोई सा भी व्यंजन वर्ण है और उनके लास्ट में हलंत लगा हुआ है और हमें उनका लोप करना है तो किससे करेंगे, हलंत्यम से, किससे करेंगे, हलंत्यम से। इसके बाद चुटू क्या करेगा कि प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में से वर्गे और टे वर्ग, से वर्ग और टे वर्ग का कोई वर्ण हो, इत संज्ञा का मतलब होता है शैतान सिंह कि किसी वर्ण का लोप करना हो, किसी वर्ण का लोप करना। फिर लशक व तद्दिते, ए तद्दिते प्रतिमे, ए तद्दिते प्रतिमे ले शे के वर्ग, तो के वर्ग में पांच होते हैं, ले शे
यदि अत्वदित प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय होने चाहिए, यदि उनके प्रारंभ में इन सात में से कोई सावर्ण हो तो उसकी संज्ञा किससे किससे होती है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा सूत्र करेंगे अत्वदित प्रत्यय में। फिर आपको बताऊं शय प्रत्यय, तो प्रत्यय के प्रारंभ में ये बहुत सरल है, जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक ये कठिन लगती है, ये बातें बहुत ही सरल होती हैं। प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य शय षटकोण वाला शय हो, मूर्धन्य शय हो तो उसकी संज्ञा किससे होगी शय प्रत्यय से। और धातु के लिए ओनली फॉर आदि रीण टू द्वय, धातु के प्रारंभ में, अब धातु संज्ञक प्रयोग में देखो आप ये प्रश्न बनता है, ग्रेड वालों बहुत अच्छे से याद रखना। धातु के प्रारंभ में ये टू और डू वर्ण हो, ये टू और डू वर्ण हो, और फिर देखो उपदेश है अज अनुनासी की, उपदेश है अज अनुनासी की, ये क्या करता है अनुनासिक स्वर की, अनुनासिक अच की, अनुनासिक अच की क्या कर देता है इत संज्ञा अनुनासिक। बिल्कुल बता दिए ना सुदेश, एग्जाम्पल देके सारे तो बता दिए, कोई सा भी वर्ण हो अंत में हलंत युक्त लगा हुआ हो, हलंतेम से, प्रत्यय के प्रारंभ में चैवर कैवर का वर्ण हो चुटू से, लश कैवर का वर्ण हो लशक से, और प्रारंभ में मूर्धन्य शय हो श प्रत्यय से, धातु के प्रारंभ में ई टू डू वर्ण हो तो आदि ई टू डू से, और अनुनासिक अच हो तो उपदे से अच अनुनासिक इनसे, और इन सभी सूत्रों क्या तस्य लोप से लोप हो जाता है, इन सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ए दर्शनम लोप है, लोप किसे कहेंगे ए दर्शनम लोप है, जो दिखाई न देता है, जो दिखाई न दे उसे लोप कहते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, फोर्थ नंबर सह प्रत्यय, प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य शय हो, नीलम मूर्धन्य शय हो और उसका लोप करना हो, जैसे देखो शय, ये देखो इसका लोप करना हो शय प्रत्यय में, यहाँ शेष बचता है तो इसमें करेंगे, श्मक प्रत्यय आ गया मान लिया, श्मक प्रत्यय पढ़ा तो शय की करेंगे, समझ रहे हो। तो बिल्कुल आपको इस आधार पर समझना है, तो आज हमने इस संज्ञा को डिटेल के साथ पढ़ा है, समझ कर पढ़ा है, आप सभी से याद करना और समझना। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे, आप सभी से यह अनुरोध है कि रोज शाम को 7 बजे जब तक संज्ञा प्रकरण का टॉपिक नहीं हुए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आती है, शुरुआत में कभी भी कोई चीज नहीं पढ़ते हैं तो 40% अधिगम ग्रहण क्षमता होती है, जब रिवीजन करते हैं तो पूरा क्लियर होता है, यदि शुरू से ही पहले ही सब कुछ आए तो फिर हम पढ़ते क्या है, पढ़ाया जाया हुआ समझ में आना चाहिए, और समझने का प्रयास करते हैं तो सबके समझ में आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की शुरुआत 0 से ही होती है, समझ रहे हो। और बोलो, हाँ बिल्कुल नोट्स, बिल्कुल मैं कहूँ बहुत तरीके से अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। हाँ, शिक्षण विधियों की 3 क्लास बाकी है, वो हो जाएंगी, बिल्कुल संजय, बिल्कुल हो जाएंगी एप्लीकेशन में, हाँ, और बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और रीड जो भी आप कोर्स लेते हो, संस्कृत की क्लास आपको एप्लीकेशन में लाइव मिलेगी, और ग्रेड वाले हो चाहे रीट वाले हो चाहे कोई सा भी कोर्स, जीके वाला हो सेकंड ग्रेड में, एसएसटी हिंदी इंग्लिश कोई सा भी कोर्स आपको लेना है तो 23 फरवरी से 50% की छूट मिल रही है, तो 23 फरवरी को आप सुबह 7 से शाम को 7 तक ये ले सकते हो। अपने इस क्लास को लाइक करना ना भूलें, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे इसे यूट्यूब चैनल पर इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। ये क्लास पूरी पढ़ने के बाद इस टॉपिक का हम टेस्ट लेंगे, क्या बोल रहे हो,
रिकॉर्ड कोर्स में अंतर बताने की कृपा करें। रिचपाल, देखो लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्स में अंतर सिर्फ इतना है कि लाइव में समस्या का समाधान हाथों हाथ हो जाता है और रिकॉर्ड में वो उस वीडियो को देखते हैं। और बोलो, तो साहित्य से बैच शुरू हो रहा है ममता कुमारी, 1 मार्च से आप 1 मार्च से नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफलाइन क्लास रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के लिए संस्कृत समृद्धि क्लासेस जयपुर गोपालपुरा बाईपास पर आपका बैच शुरू है, आप वहां पर भी आकर ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं।